जगदलपुर में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हिंदू सनातन समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम, हिंदू उत्सव समिति की बैठक भगवान जगन्नाथ मंदिर में संपन्न हुई। गंगा दशहरा को माँ गंगा पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा महारानी स्वर्ग से धरती पर राजा भागीरथ की गौर तपस्या से आई थी। इस महान दिवस को सनातन समाज में गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा का कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें सभी ने अपने महत्वपूर्ण विचार दी। कार्यक्रम किया जा सके 16 जनवरी दिन रविवार को महादेव घाट में 3 बजे दोपहर से 5 बजे तक सुंदर कांड का पाठ मातृशक्ति मंडली द्वारा किया जाएगा। उसके बाद महादेव घाट में नदी किनारे पहली बार शामिल लोगों के द्वारा संध्या काल में 5 बजे से 6 बजे तक पतंजलि संध्या द्वारा योग का कार्यक्रम रखा गया है। फिर गंगा मैया पर 70 मीटर लंबी चूड़ी चढ़ाई जाएगी। संध्या काल में 7 बजे माँ गंगा की पूजन किया जाएगा और 1100 दीपों के द्वारा माँ गंगा की महाआरती का विशाल अद्भुत कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद भंडारा का आयोजन भी है। बैठक के अंत में युवा साथी अक्षय पांडे बंटू के द्वारा सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त की गई। बैठक में शामिल संजीव शर्मा, ईश्वर खंभारी, राम नरेश पांडे, सुदर्शन पाड़ीग्रही, बालकृष्ण शर्मा, मनोज पाड़ीग्रही, रंजीत पांडे, अमन शर्मा, अनिल अग्रवाल, मातृशक्तियों में नीलम मिश्रा, संतोष शर्मा, ऋतु शर्मा, नम्रता दुबे आदि शामिल रहे।